ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने मनी ट्रांसफर की दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी ट्रांसफर की दुकान में घुसकर लूट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाश के नाम बलराम और शाहरुख बताए जा रहे हैं। दिनांक 9/7/22 को थाना नॉलेज पार्क के कुंडली क्षेत्र में एक मनी ट्रांसफर की दुकान से दिन दहाड़े तीन व्यक्ति द्वारा लूट की गई थी, जिसमें दुकान मालिक के साथ मारपीट की गई थी और हथियार के बल पे उससे लगभग 35,000 के आसपास का कैश लूटा गया था। उसमें वांछित चल रहे दो लुटेरे जिनका नाम बलराम और शाहरुख, जिनके ऊपर पूर्व में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है।